हेलो एवरीवन, आज हम झारखंड की एक और महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में जानेंगे जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। प्रायः JSSC और JPSC में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 1765 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी सौंपी गई, तब से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हो गया। इसके साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश भी शुरू हो गया। इन सभी ने संथालों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण शुरू कर दिया। ये बाहरी दिकुओं, ये लोग आदिवासियों के साथ गुलाम की तरह व्यवहार करते थे। इन दिकुओं मतलब कि साहूकारों, जमींदारों तथा महाजनों के शोषण में स्थानीय पुलिस एवं न्यायपालिका दोनों सहयोगी थे। आदिवासियों के अंग्रकृत लोक गीतों से भी यह मिलता है। देखिएगा क्या लोकगीत है ना, ये मत मरवे सिपाही मोर बेटी उड़ियो जायला, मत लादवे सिपाही मोर मोरदो भी गिरियो जायला, मत लादवे पेपारी, पेपारी मतलब व्यापारी, मोरी सिरिया टूटियो जायला। इस गीत में महिलाएं सिपाही से, व्यापारी से अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को एवं स्वयं को नहीं मारने की एवं लादने की निवेदन करती है, क्योंकि उनका बेटा मर जाएगा, बेटी उड़ जाएगी, पति गिर जाएगा और अंत में वह खुद भी अधिक वजन से गिर जाएगी। संथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों से प्रारंभ हुआ, जिसे दामिने कोह कहा जाता है। नेतृत्वकर्ता, तो संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता सिद्धू कानू, भैरव और चांद थे। विद्रोह के कारण क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इन क्षेत्रों में जमींदारी प्रणाली लागू होते ही भू स्वामित्व का अधिकार संथालों से छीन कर बाहरी जमींदारों को दे दिया गया। अंग्रेजों द्वारा संथालों से 3 गुना अधिक भू राजस्व लिया जाने लगा। महाजनों एवं साहूकारों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा भी इनका आर्थिक शोषण किया जाने लगा। वे लगान कर चुकाने में असमर्थ हो गए। इन सब कारणों के चलते संथाल किसानों की दरिद्रता बढ़ गई। कर्ज न चुकाने के चलते उनके खेत मवेशी छीन लिए गए। संथालों को जमींदारों, महाजनों का गुलाम बनना पड़ा। संथालों को कहीं से भी न्याय मिलने वाला नहीं था। सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार और महाजनों का ही पक्ष लेते थे। संथालों के हित के विषय में सोचना तो दूर, इनकी द्वारा संथालों का धन लूटा गया। आदिवासी स्त्रियों की इज्जत लूटी गई। संथालों को इन सब से बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। अंततः उनके जीवन की यह निराशा एक दिन सरकार पर कहर बनकर टूट पड़ी। पुलिस प्रशासन तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उपेक्षा हुआ। बाहरी लोगों द्वारा संथाली महिलाओं का शोषण और दुर्व्यवहार हुआ। संस्कृति पर प्रहार हुआ। घटनाक्रम, जी हाँ, इसके घटनाक्रम के बारे में हम लोग जानते हैं। 1854 आते आते संथाल अत्याचार से तंग आकर कसमसाने लगे और अत्याचार के विरुद्ध बैठक बुलाना प्रारंभ कर दिया तथा जमींदारों और सूदखोरों को लूटना प्रारंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह में करीब 10,000 आदिवासी सिद्धू के नेतृत्व में एकत्रित हुए तथा यह निर्णय लिया गया कि किसी तरह विदेशियों को यहां से भगाया जाए। जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। शुरुआत में यह आंदोलन सरकार विरोधी आंदोलन नहीं था, पर जब संथालों ने देखा कि सरकार भी जमींदारों और महाजनों का पक्ष ले रही है, तो उनका क्रोध सरकार पर भी टूट पड़ा। संथालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल को मार डाला, बाजार नष्ट कर दिए
दुकान नष्ट कर दिए और थानों में भी आग लगा दी। कई सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों और महाजनों पर संथालों ने आक्रमण कर दिया। इसके चलते कई बेकसूर भी मारे गए। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक, तार सेवा आदि सेवा भंग कर दी गई। संथालों ने अंग्रेजी शासन को समाप्त करने की शपथ ले ली। बैठक के बाद हिंसात्मक आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिद्धू, कानू, भैरव और चांद के नेतृत्व में 60,000 हथियारबंद संथाल इकट्ठा हुए तथा महाजन जमींदारों पर हमला बोलना प्रारंभ कर दिया। मकानों को जलाया गया। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन को क्षति पहुंचाया गया। एक अनुमान के अनुसार इस विद्रोह में लगभग 5 लाख लोगों ने भाग लिया था। संथाल विद्रोह के अलावा हजारीबाग, बांकुड़ा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर आदि जगहों में आग की तरह यह फैल गया। विद्रोह की विकरालता को देखते हुए कंपनी सरकार ने फौजी टुकड़ियों की मदद से इस विद्रोह का निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। अगस्त 1855 में सिद्धू को पकड़ कर फांसी दे दी गई और फरवरी 1856 में कानू को पकड़ लिया गया। लगभग 15,000 विद्रोहियों को बंदूक की गोली का शिकार होना पड़ा। इसके परिणाम थे कि सरकार ने विपल्लव वाले इलाकों को नन रेगुलेटिंग एरिया घोषित किया तथा एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर दामिने को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। संथाल परगना टेनेसी एक्ट की तरह यहाँ की जमीनों पर संथालों समेत अन्य स्थानीय लोगों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। संथाल परगना का शासन सीधे भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। नया पुलिस कानून लागू हुआ। पारंपरिक ग्राम व्यवस्था लागू हुआ और फौजदार मामलों का निपटारा संथालों को स्वयं करने की अनुमति मिली। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में यह भी बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।